मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या कारण है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर राज ठाकरे अयोध्या दौरा अपना रद्द कर रहे हैं तो उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहीं पर आपके सामने कोई 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले एक मांग की थी कि राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा ले रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, बेशक जाएं, लेकिन उससे पहले उनको उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे देश भर से इस तरह की आवाज आने लगी। मुंबई में भी बहुत सारे लोगों ने, जो सिर्फ कांग्रेस से जुड़े हों ऐसा नहीं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े लोग, अलग अलग व्यक्तियों की तरफ से मांग आने लगी राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करने के बाद या अपनी पार्टी चमकाने के लिए जिस तरीके से मुंबई में बिना किसी कारण के गरीब उत्तर भारतीयों पर हमले किए और करवाए, जिस तरीके से उन्होंने फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वालों को मारा पीटा और उनकी जिंदगी हलकान की है, निश्चित तौर पर वो दर्द आज भी मुंबई के उत्तर भारतीय और पूरे उत्तर भारत के लोगों के दिल में। और ऐसे में जब उत्तर भारत जा रहे थे तो निश्चित तौर पर यह मांग उठनी थी। और अब जब उन्हें अयोध्या जाना, अयोध्या का दौरा रद्द किया, तो मुझे यह डर है कि कहीं वो हिंदुत्व का मुद्दा ना छोड़ दें अब, क्योंकि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आए थे लाउड स्पीकर के सहारे, वो हिंदुत्व है ही नहीं। वो तो अनावश्यक रूप से दो समाज के बीच एक झगड़ा लगाने वाला एक कार्यक्रम था, और मुझे लगता है कि किसी न किसी के कहने पे इस प्रकार से झगड़ा लगाने का वो काम कर रहे थे। अगर हिंदुत्व का मुद्दा लेना चाहते हैं उनका फैसला है, लेकिन जो बुनियादी इशू होते हैं, जो उन इश्यूज पे काम करना चाहिए, न कि लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद करके आप हिंदुत्व के विचार को आगे लेके आए। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि अयोध्या का दौरा रद्द होने के साथ साथ कहीं हिंदुत्व का मुद्दा भी राज ठाकरे उनकी पार्टी न छोड़ दे, ऐसा आने वाले दिनों में लग सकता है। माझा अयोध्या त्यांना जाण्याचा कुठल्या कधीही विरोध नव्हता। अयोध्या कोणालाही हक आहे जाण्याचा, भगवान रामच्या चरणी एक नतमस्तक होण्याचा सगळ्यांचा हक आहे, सगळ्या हिंदूचा हक आहे, नॉन हिंदू पण जाऊ शकतात तिकडे। पण मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अयोध्या जाने से पहले आप उत्तर भारत जा रहे हैं तो उत्तर भारत के लोगों को जो आपने कष्ट दिया, तकलीफ दी, उनसे माफी मांगी, और मुझे आज भी मैं मांग करता हूं कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी और मांगनी चाहिए। चारच दिवसांपूर्वी भाजपच्या मुंबई विभागाने हिंदी भाषिक संमेलन आयोजित केलेलं होतं, त्याच्यामध्ये जे हिंदी भाषिक त्यांचे वेगवेगळे सेल्स आहेत भाजपचे, त्यांच्याकडून मात्र सांगण्यात आलं होतं की राज ठाकरेंना यूपीमधून विरोध करू नये, जे काही इतिहासात घटना झालेल्या आहेत त्या दुर्लक्षित कराव्यात। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल इश्यू है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना राज ठाकरे के करीब जाएगी उतने ही मुंबई के उत्तर भारतीय भारतीय जनता पार्टी पर नाराज होंगे। हां, किसी मजबूरी के तहत अगर वो राज ठाकरे के करीब जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें उनका नुकसान है और उनका नुकसान होगा तो हमारा फायदा है, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। निरुपम सर, मुंबई महापालिकेला स्वतंत्र कांग्रेस ने भूमिका मांडावी का, महाविकास आघाडीची एकत्रित चूल बांधावी? देखिए, ये समय आने के ऊपर पता चलेगा। अगर अलायंस करना है शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ तो निश्चित तौर पर पहला सवाल ये उठेगा सीटें कितनी मिलती। अगर सम्मानजनक ढंग से जितनी सीट कांग्रेस को चाहिए उतनी सीट अगर शिवसेना और एनसीपी दोनों मिलकर के देने को तैयार है तो अलायंस किया जा सकता है, लेकिन बहुत अपमानजनक ढंग से एक बहुत थोड़ी सी सीट देके बोलेंगे कि आप आइए हमारे साथ जुड़ के काम करिए, तो निश्चित तौर पर यह मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसका हर समाज में अपना एक 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 पैठ है, हर समाज में कांग्रेस को मानने चाहने वाले लोग हैं। ठीक है, आज हमारे थोड़े बुरे दौर हैं, हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। मुंबई में आज भी कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियों से बड़ी पार्टी है, सभी पार्टियों से ज्यादा जनाधार हमारे पास है, ज्यादा चाहने वाले लोग हमारे पास हैं। तो निश्चित तौर पर अगर सम्मानजनक ढंग से होता है तो युति होना चाहिए, वरना हम लोग को अकेले लड़ना चाहिए और हर सीट पर लड़ना चाहिए। सर, नाना पटोले जो एक बात कह रहे हैं कि जो वार्ड की संरचना हुई है उसमें कांग्रेस को जो है वो इग्नोर किया गया है, तो शिवसेना ने खुद का फायदा इसमें देखा है, आप इसको किस तरह? मैंने भी, मेरे पास भी इस तरह की शिकायत आई है कुछ वार्डों से, और जानबूझ के जिन वार्डों पे हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन्हीं एरिया को उनके वार्ड से काट के निकाल दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह गलत हुआ है। लेकिन इसके लिए जो मुंबई में या महाराष्ट्र में जो नेतृत्व है उसके पास एक वक्त था, और वो चाहते तो समय रहते एक लड़ सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, और वार्डों की पुनर्रचना में हमारा अपना से मजबूती से हो इस प्रकार का काम हो सकता था, लेकिन अब तो पुनर्रचना हो चुकी है। अब ये पुनर्रचना होने के बाद आगे इसमें और किसी सुधार की गुंजाइश है मुझे पता नहीं। सर, आपको लगता है कि जब इसके ऊपर आपत्ति जताएंगे, यानी जब सजेशन और ऑब्जेक्शन मंगाते तब शायद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से? नहीं, सजेशन ऑब्जेक्शन जब मंगाए तो हमने दिया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, गोरेगांव वेस्ट में एक वार्ड में
हमारी एक कार्यकर्ता है, उन्होंने लगभग एक लक्ष्मीनगर एरिया में बहुत अच्छा काम किया, उनके सबके घर टूट रहे थे, उनके घर बचाए, 500-700 मराठी परिवार का घर बचाया उन लोगों ने, और उसके लिए हमने एक जाहिर सभा भी ली थी, एक विजय सभा ली थी, उसी पोर्शन को काट के हटा दिया गया। फिर उन लोगों ने सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई किया था, ऑब्जेक्शन लिया था, इसके बावजूद महानगर पालिका में जिनका प्रशासन है, मतलब मेरा मतलब शिवसेना का प्रशासन है, शिवसेना के लोग और उनके अधिकारियों ने नहीं सुना हमारा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि शायद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने जो टाइम था तब ये आक्षेप उठाया नहीं, इसके वजह से कांग्रेस के जैसे एक वार्ड के बारे में तो जानता हूं कि ऑब्जेक्शन लिया गया था, बाकी वार्डों के बारे में ऑब्जेक्शन लिया गया नहीं लिया गया मुझे नहीं मालूम है, लिया जाना चाहिए था, कितना लिया गया, कितनी सख्ती से लिया गया, कितना जोर से लिया गया ऑब्जेक्शन मुझे नहीं मालूम। आपको लगता है कि अब ये सब बोलने का या अब समय निकल गया, मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है अब वार्डो की पुनर्रचना में कुछ परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है तो। लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपनी बात कह रही है और उसको शिवसेना को समझना पड़ेगा कि आप शिवसेना का समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं और शिवसेना के साथ आपको सरकार चलाना है और शिवसेना के साथ आज कांग्रेस पार्टी एक सहयोगी दल की भूमिका निभा रही है तो निश्चित तौर पर सहयोगी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी होना चाहिए। कांग्रेस को नाराज न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस को नाराज करेंगे तो जो सत्ता भोग रहे हैं लोग शायद उनके लिए वो अवसर उनके हाथ से निकल सकता है। निधि वाटप जो मुंबई में एक विषय है वो अपने आप में हमेशा एक महानगर पालिका में जब से शिवसेना की सत्ता है तब से हमें देख रहे हैं कि वो अपने नगर सेवकों को ज्यादा निधि देते हैं और जो दूसरी पार्टी के या विपक्ष के जो नगर सेवक होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो ये गलत हो रहा है। और तब उनकी एक सत्ता थी, एक हाथी सत्ता थी, मतलब वो किसी के समर्थन के बगैर सत्ता थी तो चल सकता था, लेकिन आज जो सरकार में आप हैं उस सरकार में बाकी दो पार्टियों का भी उतना ही एक वो है, उसमें सहयोग है, तो निश्चित तौर पर निधि वाटप हो या किसी भी तरह की संसाधनों का वाटप हो उसमें कांग्रेस और एनसीपी के भी आमदारों का या फिर उनके बाकी जो पदाधिकारी हैं या जो नगर सेवक अब नहीं रहे उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनको एक समान रूप से देखना चाहिए, समान नजर से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर लंबे समय तक युति चलाना है तो। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।